नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। एक कहावत है कि जल ही जीवन है और बिना जल के आदमी कैसे जी सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में, जो कि उसरी खुर्द के तहत आता है। और मैं आपको बता दूं कि जनता जो है एक नेता एक जनप्रतिनिधि को इसलिए जिताती है कि वो हमारे बीच आकर हमारा सेवा कर सके, लेकिन जब जनता को जरूरत पड़ता है तो वही जनप्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो, MP हो या फिर वार्ड पार्षद हो, नदारद रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ पर जितने कॉलोनी के चापाकल है सभी सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है। एकमात्र जो चापाकल है वो दाहा नदी के किनारे पर है, थोड़ा सा इधर हटके है, वहां पे पानी आ रहा है और उसी के सहारे पूरा यहाँ के नागरिक, मैं आपको बता दूं कि उसी के सहारे जी रहे हैं। और तपती धूप में इतना ज्यादा भयंकर लू चल रहा है, उसमें इन लोगों का हालत क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 2 में और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सूखा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा है, प्रत्येक घर के चापाकल यहाँ पर सूखा पड़ा है। आइए हम दर्शन कराते हैं चापाकल जो है जो सूखा पड़ा है। सबसे पहले हम चलते हैं अंदर, जिस चापाकल से यहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी खाना बनता है, लोग यहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं, उस चापाकल का स्थिति आज ये है। ये देख लीजिए, इस चापाकल में सब कुछ, ये इसका जो टेक्निकल सिस्टम है बिल्कुल फिट है, लेकिन जो पानी का लेयर है कहीं से इसका आता पता नहीं है। ये पहला समस्या है। आइए हम आगे चलते हैं। ये एक ही घर का नहीं है, यहाँ के तमाम जितने घर हैं उसमें ये समस्या निरंतर बना हुआ है और काफी यहाँ पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परेशान है इस समस्या से लेकर। आइए देखिए, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि सीधा चापाकल पे ले चलें। ये जो सामने वाला भी चापाकल है, यहाँ का जो समस्या है सेम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फिट है, ये टेक्निकल सुविधा से वैसे इसका जो भी मशीनरी है एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी का कोई लेयर नहीं है। ये दूसरा हो गया। आइए हम चलते हैं, यहाँ पे भी एक चापाकल है। तो इस कॉलोनी का पूरा हाल जो है बेहाल हो गया है, पानी बिना लोग तरस रहे हैं। उस चापाकल का भी जो स्थिति है काफी दयनीय है। और इस चापाकल का भी जो स्थिति है काफी दयनीय है, लेकिन ये देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जिसका आसार लगाए बैठी है जनता, जिस जनप्रतिनिधि, जिस MP MLA का, जिस पदाधिकारी का, वो सभी नदारद हैं, AC में बैठकर हवा खा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, जनता मर रही है और नेता मजे कर रहे हैं। अभी और चलते हैं, हम दिखाते हैं कितने चापाकलों का ये समस्या है। आगे चलते हैं हम अपने सहयोगी से। क्या समस्या हो गया है जी? समस्या इसीलिए 4-5 महीने से पानी नहीं आता है। अच्छा। किसी का कल में पानी नहीं देता है, जो है एक ही कल है हम लोग का, और पड़ोसी का है, उनके कल पर से लोग पानी नहीं भरते हैं। तो 4 बजे करीब में पानी वो लोग स्टार्ट करते हैं, रात को 11-12 बजे बच जाता है, नहाने धोने और पानी लेके जाने में कितना बच जाता है। क्या है, आप लोग जिताए उतार है वार्ड पार्षद को, नया नगर पंचायत बना हुआ है, फिर भी आप लोग का समस्या कोई नहीं सुन रहा है का? सुन रहा नहीं, अभी के जल नल योजना ला खाली पाइप डाला गया है। हाँ। इसमें पानी अभी आया नहीं है, एक बार दोबारा आया था। वार्ड पार्षद साहब कहाँ है? वार्ड पार्षद साहब तो अपना घर पे होंगे। तो आप लोग कम्प्लेन नहीं किए हैं? वार्ड पार्षद देखे हैं, सुने हैं। हाँ। बोलेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे। अभी तक हुआ नहीं है? अभी तक हुआ नहीं है। आपका, मेरा नाम अनिल कुमार नाम है। पानी के का भइल बा, का दिक्कत भइल बा? पानी के तो समस्या बड़ी दिक्कत बा की। हाँ। पानी लिया तन जेकरा घर पानी बा नीचे। हाँ। जेकरा घर नीचे पानी बा ओकरा घर जाता नहीं सब पानी के हमनी के। अच्छा। लिया तनी सा दिन भर पानी दुआ तनी सा। बड़ा समस्या हो घर में, खाना उना बनावे में, नहाए धोए में बहुत दिक्कत होती है। बा नदी बा तो नदी सुखले वही बह रहा। अच्छा। नीचे पानी बा तो नीचे से लिया तनी सा हमनी के, जेकरा जेकरा घर कॉल बा ओकरा घर। कोई से बोलनी है ना रे, समस्या जिन बाबे वार्ड पार्षद लोग बालो उ लोग से ना अपन शिकायत कोई नहीं है कि पानी नहीं खियावत, कोनो उपाय उपाय लागे ओकर? तो अभी राय भइल बा समस्या करे के माने कहे ना वार्ड से कहन सन। अभी तो कहनी है ना? ना अभी नहीं कह। का नाम हमारा? हमार तिलझरिया देवी नाम। ये जो समस्या है पानी की, कितने दिनों से समस्या चल रही है? आज 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, कैसे आप लोग जी रहे हैं, कहाँ से पानी भर रहे हैं? बाल्टी से पानी लेकर नीचे से लाना पड़ता है। इसको लेकर किसी अधिकारी को आपने कोई आवेदन दिया है कि हमारे यहाँ कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है किसी भी विभाग में? अभी बोलने के लिए आदमी बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि हम करेंगे, हम सुनते हैं, वो कहते हैं करेंगे। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है। जनप्रतिनिधि का क्या कहना है? वार्ड पार्षद कुछ बोले नहीं है समस्या को लेके? समस्या लेकर जो है कि पाइप गिरा लगा दिए हैं, पानी थोड़ा सा आया है, उसके बाद में बंद हो गया है। अच्छा। नाम बता? मेरा नाम शालिग्राम तिवारी।
का चाची का का समस्या भइल पानी उनी नहीं खियावत रहो लगे घर में का भइल बा हमनी के तो पानी नहीं खियावत जब गर्मी आयला तब पानी ना आवेला अच्छा आ जा तनी से केने केने लिया तो माने केहू दे तो केहू दुगो झाड़ू बोल देता हां दुगो झाड़ू बोलता उन्हें से जतन तो उन्हें बोलता उन्हें जतन तो उन्हें केहू केहू बोलत रहता वहीं लिया के पिया तनी से केहू अयोध्या भइल हुए इलेक्शन में वोट दिले रहनी वार्ड पार्षद जीतले बानी वहां के ना बोलनी है जाके रहुआ लोग बोला था नहीं लो नहीं खेलो सुना तू लो गाँव के हमारा जीत कुछ कर दी लो गाँव के हमारा है दुगो बाल जीतर कुछ न कुछ कर दी लो अच्छा बाकी बाइली आके चल जाता रहा तो रवे ने वोट दिले रहनी तो का करी का नाम हमारा उर्मिला देवी। तो ये था जो चापाकल सूख चुका है वो, और जो एकमात्र चापाकल है वो ये रहा जहाँ से लोग इकट्ठे हुए हैं पानी भरने के लिए। और इस समय 4 बज रहा है शाम का, और 4 बजे पानी की जरूरत होती है, किसी के घर खाना बनता है, कोई नहाने के लिए जाता है, और एकमात्र ये सरकारी चापाकल है जो कि ये चल रहा है। खुदा ना खास अगर ये खराब हो गया तो यहाँ के लोगों के लिए पानी तो क्या यहाँ पर बहुत मशक्कत करना पड़ जाएगा, और कुछ बच्चे जो है बीमार भी पड़ सकते हैं पानी बिना, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है यहाँ पर पड़ जाएगा। अभी देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से मात्र एक ये चापाकल है, और सरकार का जो नल जल का योजना है वो भी यहाँ पे लगा है लेकिन कामयाब नहीं है, फेल है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है और लगातार लाइन में लगकर ये लोग पानी यहाँ से ले जाते हैं अपने घर, और रोजमर्रा का जो दिनचर्या है किसी तरह अपने आप को जीवित रखते हैं पानी से इस तपती हुई धूप में। और इधर अभी तक किसी अधिकारी, किसी जनप्रतिनिधि, किसी बड़े नेता का मतलब ध्यान नहीं आया है। परिवहन विभाग से मैं अपील करता हूं कि इस तरीके के जगह पे जल्द से जल्द पहुंचे, और तपती हुई गर्मी में लू जो चल रहा है उसे राहत दिलाने के लिए जितने जनता है उसको सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। और मैं आपको बता दूं ये उसरी खुर्द वार्ड नंबर हसनपुरा नगर पंचायत के तहत आता है, उसरी बुजुर्ग के वार्ड नंबर 2, और वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या पड़ चुकी है, और मात्र एक चापाकल है जहां पे ये पानी भरा जा रहा है, और इसके अलावा और कोई कल नहीं है, सभी कल सूखा पड़ गया है यहां पर। और तमाम यहां के जो नागरिक हैं यहां पर देख सकते हैं लाइन में लगकर अपने अपने टॉप बाल्टी जो भी सामान है पानी भरने वाला वो लेकर खड़े हुए हैं, पानी भरकर और एक लाइन से अपने अपने घर ये जा रहे हैं। खुदा ना खास कभी रात में जरूरत पड़ जाए, यहाँ पे देख सकते हैं कि बगल में दाहा नदी है, लेकिन आज अगर दाहा नदी क्लीन होता, वहां पर दाहा नदी को नाला नदी नहीं बनाया जाता, तो सौभाग्य से वो कनेक्टेड होता, लेयर होता उस नदी के पानी से, और ये हालात नहीं उत्पन्न होता। तो ये सारा जिम्मेदार यहाँ के नागरिकों का भी कहा जा सकता है, जो कि यहाँ पे जितने कचरा फेंका जाता है नाला नदी में वो उससे दूषित हो जाता है पानी, और एक नाला की तरह वो नदी बन गया है, और काफी यहाँ पर बदबू भी अभी भी बदबू आ रहा है नाला और वहाँ नदी से। तो ये समस्या है यहाँ पर, और तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, नेताओं से मैं अपील करता हूँ कि इस तरीके का समस्या को समाधान किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में वार्ड नंबर 2 में हसनपुरा नगर पंचायत का दुर्भाग्य स्थिति बन सकता है, काफी लोग बीमार पड़ सकते हैं, ये स्थिति बना हुआ है। और हमारे चैनल के साथ भी आप बने रहे, देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।